व्हाट्स गुड यू गाइस, दिस इज योर ब्रदर ऋतिक मेघवानी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो होने वाला है क्या भैया मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। पिछले काफ़ी दिन से यार बहुत ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास ये आ रही थी, भैया मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी लेकिन किसी कारण से मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जा पाया। भैया मैंने साल भर मेहनत नहीं की है लेकिन अब मैं मेहनत करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे छोटे कॉलेज में नहीं जाना है। भैया क्या मेरा एक साल बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? क्या भैया ये सही डिसीजन है ड्रॉप लेना? सो गाइस सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक बुक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है टॉपर्स स्टडी हैक। इस बुक की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा जेई नीट बोर्ड्स के टॉपर्स के यार स्ट्रेटजी को जान के इस बुक को लिखा गया है। इस बुक के ऑथर की बात करें तो अविनाश अग्रवाल जी हैं जिन्होंने यार पिछले 15 साल में काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं टॉपर्स के, उसके बाद यार इस बुक को लिखा है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि यार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की। अगर हम थोड़ी और बातें करें तो यार जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सब में यार आपको कोई कॉमन चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी। उसी तरीके से यार जितने भी टॉपर्स रहते हैं उनमें भी काफ़ी ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि यार किसी भी स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड जब मैंने यार इस बुक को पढ़ा, मैंने करीबन 3 से 4 घंटे इस बुक को पढ़ा हूँ जो मैं 40-50% आराम से कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी पॉइंट्स ऐसे देखने को मिले जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बुक खोलते हैं तो हमें पहला पॉइंट मिलता है व्हाई एम आई स्टडींग। तो गाइज ये बुक आपको मेंटली भी प्रिपेयर करती है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन, फोकस, गोल सेटिंग के बारे में डिटेल में इस बुक में दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा मुझे ये। अगर किसी को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड यार हम लोग 8-7 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन जो क्वालिटी टाइम होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, तो इस बुक में यार काफ़ी पॉइंट्स ऐसे देखने को मिले मुझे जो कि यार आपका क्वालिटी टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, प्रॉपर गाइडेंस एंड यार डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड इस बुक में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सबको पता होना चाहिए। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए क्या। यहाँ पे यार हमको 2-4 तरीके के स्टूडेंट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यार वो बच्चे जिन्होंने यार साल भर मेहनत की है लेकिन किसी कारण से यार उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, चाहे वो प्रिपरेशन लास्ट में अच्छी नहीं हुई, चाहे वो किसी भी रीज़न से, चाहे एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, किसी भी कारण से लास्ट में उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया हो, तो यार उन बच्चों को डेफिनेटली यार ड्रॉप लेना चाहिए। आपके यार 4 महीने हैं, ठीक है। एंड यार आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, आपको यार इन 4 महीने में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं पहले से प्रिपेयर उनको यार पढ़ना है एंड क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है 50% से भी ज़्यादा प्रिपरेशन है तो यार आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। नेक्स्ट यार वो बच्चे आते हैं जिन्होंने साल भर मेहनत नहीं की है और जेई के थ्रू ही वो कॉलेज लेना चाहते हैं, उन बच्चों को यार मैं बोलना चाहूँगा कि बॉस बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। अगर लगता है यार कि 8-7 घंटे दे पाओगे हर दिन एंड 5-6 महीने में यार कवर कर लोगे सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली यार ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है, एक चांस दे सकते हो और, लेकिन यार मेहनत बहुत लगने वाली है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि क्या मैं रेडी हूँ उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए, तभी आप लोगों को ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। जिनकी प्रिपरेशन यार 40-50% भी है उनको यार मैं ड्रॉप रिकमेंड करूँगा क्योंकि यार 4-5 महीने ही बचे हैं यार, तो आप हो सकता है यार काफ़ी अच्छी रैंक स्कोर कर जाओ इस बार, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस बार देखने को मिल रहा है। एक प्रकार से यार अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनने यार काफ़ी मेहनत की थी लेकिन किसी रीज़न से यार उनका अच्छा नहीं हो पाया, उनको एक मौका दोबारा मिल रहा है यार कि तुम लोग अच्छा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यार ये डाउट आ रहा है बच्चों को, भैया क्या ड्रॉप लेना सही है, मेरा एक साल बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? नहीं यार ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, ना आपको प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी ना किसी और चीज़ में दिक्कत आने वाली है, ठीक है। एक साल ड्रॉप लेने से आपका एक फ़ायदा ये भी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा और अच्छा कॉलेज मिल जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं वो ड्रॉपर्स के ज़्यादा होते हैं हर साल जेई में, ये यार फैक्ट है एंड होता है। अगर आपको लगता है यार कि मुझे थोड़ा और अच्छा कॉलेज चाहिए एंड यार मैं अपने 4-5 महीने अच्छे से देना चाहता हूँ पढ़ाई को, तो डेफिनेटली यार ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। इस साल यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा कि ड्रॉपर्स को मिल रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यार जिन लोगों को लग रहा है कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ होने वाला है, डेफिनेटली यार थोड़ा कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो सकता है लेकिन उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता यार, हमको यार हमारे लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो पढ़ाई हमको करनी पड़ेगी। 1% भी डाउट है कि भैया मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, पहले यार उस 1% डाउट को ख़त्म करो, 100% यार श्योर रहो कि यार मैं फोड़ूंगा, ठीक है, मुझे अपने 4-5 महीने देने हैं इस चीज़ को, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैं निकालूंगा, तभी यार आपको सोचना है। अगर 1% भी यार सेल्फ डाउट आ रहा है तो उसको पहले ख़त्म करना, उसके बाद ही ड्रॉप लेने के बारे में सोचना।
और हम लोग बात करें यार, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको यार ध्यान में रखना चाहिए अगर आप ड्रॉप लेते हो तो। सबसे पहले यार उन बच्चों के बारे में बताना चाहूँगा जो यार पहले से प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर रखी है। आपको यार ये 4 महीने में इनमें यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको यार दोबारा नोट्स नहीं बनाने, आपके पुराने वाले नोट्स में से ही पढ़ाई करनी है। आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो यार, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो मॉक टेस्ट लगाने, क्वेश्चंस करने ज़्यादा से ज़्यादा, वही यार आपकी रैंक इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें यार, तो जो आपकी गलतियां हैं उसको एनालाइज करो। जो इस साल का एग्ज़ाम है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, एक पेपर में सारे लिख डालो यार और उनके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा यार, दुनियादारी भूल जाओ। ये जो 4 महीने यार पूरी तरीके से पढ़ाई को दे दो। ठीक है, हो सकता है यार आपको अभी अच्छा कॉलेज नहीं मिला हो, लेकिन 4 महीने में आप पढ़ के यार बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीमेंट ला सकते हो आपकी अपनी रैंक में। ठीक है, तो एक अच्छे कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे यार। ठीक है, तो अभी प्लीज़ 4-5 महीने दुनियादारी से दूर हो जाओ। कोई भी चीज़ आपके 10 मिनट भी लेती है यार, उस चीज़ से डिटैच हो जाओ अपने आप। ठीक है, चाहे गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो यार, इस समय पे यार आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है यार काफ़ी लोग अभी भी बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगाते हैं। प्लीज़ यार ये 4 महीने पढ़ाई को दे दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार पढ़ाई हो जाए यार तो कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अभी के टाइम पर यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक अच्छा कॉलेज होना यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी पढ़ाई करो यार 4-5 महीने। ठीक है, अगर कोई कुछ आगे होगा नहीं तो यार क्या खिलाओगे तुम्हारे बाबू को। तो प्लीज़ यार अभी पढ़ाई करो, है ना। नेक्स्ट यार बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ऑनेस्ट रहो यार। अगर कोई चैप्टर नहीं आता है ना यार, तो अपने मन में ये मत सोच लो यार मैं कर लूँगा यार एग्ज़ाम टाइम पे। नहीं, अगर नहीं आता है वो चैप्टर, उसको क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो उसके बारे में। ठीक है, अंधेरे में मत रखो अपने आप को। अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे यार तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यार अक्सर बोलते हैं यार, अरे यार ये वाला चैप्टर मैं फोड़ दूंगा, ठीक है मुझे आता है, और जब करते हैं क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन हम बोलते हैं यार एग्जाम में कर लेंगे। तो यार ये जो है ना यार, इसको थोड़ा सा कम कर लो। ठीक है, एंड ऑनेस्ट रहो, नहीं बनता है तो उसको पहले बनाओ। ठीक है, किसी यार बड़े व्यक्ति ने कहा है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, एक ऑथर है जिन्होंने ये बात बताई है, यार अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उस जर्नी में आपको कौन सी दिक्कतें आने वाली हैं। इसी तरीके से यार आपको जेई का एग्ज़ाम निकालना है, इन 4 महीने में काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिनमें यार आप अपना कॉन्फिडेंस खो सकते हो। जैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, कोई चैप्टर हार्ड लगता है, इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। तो पहले से प्रिपेयर रहो यार कि हाँ ऐसी दिक्कतें आने वाली है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। मुझे यार अगर नहीं बनता है तो मुझे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव ऑन करना है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। तो ये माइंडसेट पहले से बना के चलना है यार, क्योंकि 4 महीने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनेंगी आपको, पहले से ध्यान में रखना। क्योंकि यार अगर पहले से पता होता है ना तो माइंडसेट क्लियर रहता है कि हाँ भाई मैं हार नहीं मानूंगा, नेक्स्ट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो पहले से प्रिपेयर रहो कि दिक्कतें आएंगी, लेकिन यार हमको फोड़ना है कैसे भी करके, यार जेई निकालना है 2021। एंड नेक्स्ट यार इसके बाद वाली जो वीडियो है यार, फुल स्ट्रेटजी वीडियो रहेगी। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि यार आपको करने ही करने हैं, और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। हो सकता है शायद कुछ चैप्टर्स आपको नहीं पता हो, इन 4 महीने में यार आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो चैप्टर्स पढ़ के। डिटेल में स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, ये यार सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो कि ड्रॉप लेना चाहते हैं। ड्रॉप लेते हो तो यार ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। मैंने काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं यार जिनकी 25-25, 30-30 हज़ार रैंक रहती है मेंस में, वो यार 2-2, 3-3 हज़ार रैंक ले आते हैं। मेरे सामने बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनकी 2-2 लाख रैंक भी आई है, ठीक है, वो भी यार ऐसी 20-25 हज़ार इस तरीके की रैंक ले आते हैं। तो भाई मेहनत करो यार, ठीक है, एक ही चीज़ है हार्डवर्क। अगर 4 महीने हार्डवर्क करोगे ना यार तो बहुत अच्छी रैंक ले आओगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यार आपको कि 4 महीने ही बचे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। 4 महीने से आपको क्वेश्चंस लगाने यार, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। सो गाइस ये था आज का वीडियो यार, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट में पूछो, ट्राई करूँगा आंसर देने का। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।